इंदौर में समाज सेवी रजनी भंडारी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वे समाज सेवा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। अब उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। जिनकी पुस्तक का विमोचन ज्वाल सभागृह में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद शंकर लालवानी, पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में समाज सेवी रजनी भंडारी के कविता संग्रह की पहली पुस्तक सीख का विमोचन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन ने जब मंच संभाला तो पूरे हॉल में जमकर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कविता का जन्म हिंसा के खिलाफ अहिंसात्मक विद्रोह के रूप में हुआ है। साथ ही उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में कविता के चित्रण को बताते हुए कहा कि राजनेताओं के बीच कविता पर बहस शिवलिंग पर नहीं फव्वारे पर जल चढ़ाने के समान है। बहस राजनेताओं के बीच तो ऐसा लगता है कि शंकर जी पे जो चढ़ाया हुआ जल है वो जल वो मस्जिद में शंकर जी को बनाए हुए फुहारे में जाए। उस नकल को उजागर कमी नहीं है, ये बहुत बड़ा लेंगे और बहुत बड़ी बात है। निर्माण की स्थिति में कहना चाहता हूँ कि युद्ध के बोध को जीने का काम ऐतिहासिक तरीके से जिस तरीके से चित्रित किया गया उसे चित्रित करने का काम अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र तरीका कर सकती है राजनीति के रोग सो विपद बढ़े जब पूर्व। राजनीति के रोग सो विपद बढ़े जब पूर्व ता विपदा को मेटिया के साहित्य के सूर। या तो साहित्य उस दूर को स्वीकार करता है या सूर्यवासी स्वीकार करता है। दूसरा भी बोलता है क्योंकि अखबार भी वही बोलते हैं जो तुम बुलवा रहे हो, टीवी भी वही बोलता है जो तुम बुलवा रहे हो। बोलने के लिए एक अकेला लेखक बचा, एक अकेला अगर कोई बचा तो कभी बचा वो बात बोलता है जो अखबार भी बोलते, वो बात बोलता है जो टेलीविजन भी बोलता, वो बात बोलता है जो जनता के अंतर्मन की पीड़ा का उजागर करता। इस मौके पर समाज सेवी और कवि के रूप में सामने आई रजनी भंडारी ने बताया कि पीएम मोदी की प्रेरणा के आधार पर उन्होंने आपदा को अवसर के रूप में अपनाया। अपने भावों को उन्होंने लिखकर कविताओं के रूप में पेश किया, जिनके पीछे उन्होंने बताया कि ये कविता नहीं भावों का संग्रह है। मोदी जी के प्रचार करने की किसी को जरूरत नहीं है, वो अपने आप में इतना बड़ा नाम है। मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर बनाना सीखिए। जब भी वो मन की बात करते हैं, कोरोना काल जो एक साल मुझे मिला उस आपदा को भी मैंने अवसर बना लिया और मैंने लिखना शुरू किया। कभी किसी बात को दिल में महसूस किया तो लिख दिया, कोई बात कहीं पर अखर गई तो लिख दिया, कोई बात तकलीफ दे गई तो लिख दिया, कभी मैं फ्रस्ट्रेट हुई तो लिख दिया और सीख बन गई। मैं ये यहाँ कहना चाहती हूँ आप सबके सामने कि मैं कोई बहुत बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ, ना ही मैं सत्तन जी और विकास जी के सामने ये दावा करूँगी कि मैंने कोई बहुत अच्छा साहित्य लिख दिया है। हालांकि ये भाग्य की बात है कि मैंने लिख दिया है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ सत्तन जी को भी कहूँगी, अलका को भी कहूँगी और विकास जी को भी कहूँगी कि जो भी मैंने कुछ लिखा है दिल से लिखा है और उम्मीद के साथ लिखा है कि आपके दिल में भी पहुंचेगा और जो पढ़ेंगे उसके दिल में भी पहुंचेगा। यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो मेरी दो कविताएं आंसू और चुप्पी जरूर पढ़ें। वो आपके मन की भावना है आंसू और चुप्पी। अभी किताब आपको प्रोग्राम के बाद में आप उसे खरीद सकते हैं, 250 रुपये उसकी कीमत है। आज 150 रुपये में वो किताब हमने रखी है, आप उसे खरीद सकते हैं क्योंकि आज पहला दिन है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग उसे पढ़ने के लिए जरूर लेंगे। आपको बता दें कि रजनी भंडारी समाज सेवी संस्था थैलेसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। वहीं इस मौके पर प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन, कवि राजीव शर्मा और शिक्षाविद अलका भार्गव भी मौजूद रहीं, जिन्होंने रजनी भंडारी के इस नवीन प्रयास की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।